और मैं हूं आपके साथ अलका। अभी की सबसे बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां ताजमहल में बम होने की खबर मिलने से ही सनसनी मच गई है। हालांकि बम की सूचना मिलने के बाद ताजमहल के अंदर मौजूद पर्यटकों को बाहर निकाल दिया गया है और फिलहाल ताजमहल के दोनों दरवाजों को बंद कर दिया गया है। हालांकि बम मिलने की सूचना महज अफवाह निकली। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर बम रखने की सूचना दी थी, जिससे अब हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि वह नौकरी या मिलने ना मिलने से परेशान था। आपको बता दें कि बम की सूचना मिलते ही ताजमहल परिसर में CISF की भारी संख्या में तैनाती की गई और अब पूरे ताजमहल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि ताजमहल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल ताजमहल में बम मिलने की सूचना मिली थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋतिक जुड़ गए हैं। जी ऋतिक, ताजमहल में बम मिलने की सूचना मिली थी, क्या कुछ है अपडेट? देखिए अलका, अभी सबसे बड़ी खबर आगरा से यही आ रही है कि ताजमहल में बम रखने की सूचना मिली है। और फिलहाल अगर मैं वहां पे बात करूं तो वहां पे अभी यही बताया जा रहा है कि ये जो पूरा जो सूचना है वो फर्जी है। जिस अज्ञात व्यक्ति ने इस मामले की बात कही थी कि इसमें बम है ताजमहल के अंदर, वो अब फर्जी निकल गया है। लेकिन अभी भी क्योंकि जिस तरीके से सूचना दी गई कि ये ताजमहल के अंदर बम है, तो सारे पर्यटकों को हड़बड़ी में ताजमहल के अंदर से निकाला गया है और पुलिस जो है वहां पे मुस्तैद हो गई है और अभी भी वहां पर अलका सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन फिलहाल ये फर्जी बताया जा रहा है। और जब वो वहां पे जिस अज्ञात व्यक्ति ने ये बात भी कबूला है, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है उसे, और उसने ये बात कबूली है कि बेरोजगारी की वजह से उसने इस अफवाह को उड़ाया है कि ताजमहल में बम है, तो कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा पेचीदा भी है। लेकिन पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और फिलहाल अभी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अलका जरतिक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा की कार्रवाई का आज 10वां दिन है। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसमें कृषि सहित 7 विभागों के प्रश्नों का संबंधित विभाग ने मंत्री उत्तर देंगे। दूसरे हाफ में विभागीय बजट पर चर्चा होगी। विधानसभा की कार्रवाई आज भी हंगामेदार होने का आसार है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मद निषेध उत्पाद और निबंधन विभागीय की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मद निषेध उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने पिछले 2 माह में शराबबंदी कानून के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि शराब के धंधे में लिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के गुरुवार को भूमि सुधार विभाग बजट पेश करेगा। इसको लेकर आरजेडी विधायक पोर्टिको में आकर जमकर नारेबाजी की। आरजेडी विधायकों ने सीएम पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरीके से गरीबों से हक छीना जा रहा है वह गलत है, सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रोटेस्ट है वो जो बिहार के भूमिहीन गरीब गुरबे जिनको उजाड़ा जा रहा जल जीवन हरियाली के नाम पर, तो सरकार ने कानून बनाया था कि बिहार में जितने भी भूमिहीन हैं उनको 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा बासगीत के रूप में, बासगीत पर्चा बना करके। लेकिन उन जमीनों को आज तक नहीं देने का काम किया गया है। और राजस्व विभाग वही पश्चिमी बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के देखते हुए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में पीएम मोदी सहित बीजेपी के शीर्ष नेता भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 27 मार्च को असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत जिन सीटों पर मतदान होना है वहां के उम्मीदवारों के नाम तय किए जा सकते हैं। बेउर जेल में बंद मोकामा विधायक आनंद सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि आनंद सिंह को मंगलवार को पीएमसीएच से रेफर किया गया था।
आपको बता दें कि अनंत सिंह को पेट में दर्द की शिकायत हुई थी, इसके बाद उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया था। वहीं एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत में पहले से सुधार है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर आईडी ब्लास्ट में 2 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद पुलिस बल की टीम मौके पर पहुंचकर गश्त लगा रही है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम में आईडी बम ब्लास्ट होने की खबर है, जहां 2 जवानों की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर में कलयुगी पिता की घिनौनी करतूत सामने आई है, जहां पिता ने पारिवारिक विवाद में अपने ही बेटे को पीट पीट कर मार डाला। घटना सकरा थाना क्षेत्र के स्थित हरपुर गांव की है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस को सब को अपने कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही इस मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। लोगों से पूछताछ के बाद बताया गया कि मृतक का पिता अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर पहले भी इस तरह मारपीट कर चुका है। मैं एक पिता सन के पिता अपना बेटे को पीट पीट कर पारिवारिक विवाद को लेकर पीट पीटा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसे सुनने में आया कि पूर्व में भी अपनी पत्रों के साथ भी ऐसा घटना कर चुका है। सन की किस्म का है और उसकी शादी दूसरी शादी भी है, उसको अपने पत्नी के साथ मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है? 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, बताया जा रहा है। बोकारो के आजाद नगर में पुलिस ने 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश में आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया है। गिरफ्तार युवक पहले भी 7 वर्षीय बच्ची के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दे चुका है। वहीं पुलिस की पूछताछ में यह पता चला है कि गिरफ्तार युवक बच्ची को टॉफी का लालच देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता था और साथ ही साथ घटना के बारे में किसी को ना बताने की धमकी भी देता था। गिरफ्तार युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं पूर्णिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने 80 लाख रुपए मूल्य के ब्राउन सुगर के साथ अंतर्राज्यीय स्मैक सरगना अमन सिंह समेत 6 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में SAP दयाशंकर ने बताया कि पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि बंगाल से कुछ स्मैक तस्कर स्मैक की बड़ी खेप लेकर पूर्णिया आ रहे हैं। पुलिस ने एक दिन पहले से ही इन माफियाओं को ट्रैप करना शुरू कर दिया था। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि पूर्णिया में पुलिस ने 1,505 ग्राम ब्राउन सुगर बरामद किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रभाकर जुड़ गए हैं। जी प्रभाकर, पुलिस ने 1,505 ग्राम ब्राउन सुगर बरामद किया है, क्या कुछ अपडेट है? माफ कीजिएगा, तकनीकी व्यवधान के कारण हमारे सहयोगी से हमारी बातचीत नहीं हो पाई। आपको एक बार फिर से बता दें कि 80 लाख के ब्राउन सुगर समेत तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्णिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस ने 1,550 ग्राम ब्राउन सुगर बरामद किया है और साथ ही तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बरामद ब्राउन सुगर की कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।